हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं दूसरे हफ्ते का भाग एक करंट अफेयर लेके आऊंगा। दूसरा हफ्ता जो है ये मैं दो पार्ट में कवर करूंगा, एक में 8, 9, 10 और 11 के करंट अफेयर और दूसरे में बचे हुए 3 दिन के करंट अफेयर। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। आज नेशनल यूथ डे हम इसे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर हमने एक स्पेशल वीडियो कल अपलोड किया था, उसका भाग दो आज अपलोड होगा, तो दोनों को आप जरूर देखिए। हमारी जो सेल है वो 15 तारीख तक चलेगी, मकर संक्रांति सेल है ये, लोहड़ी और मकर संक्रांति सेल है। बहुत सारे पेन ड्राइव कोर्स हमारे आते हैं और बहुत सारे हम लॉन्च करने वाले हैं। आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो studyiq.com पर जा सकते हैं या दिए हुए 3 नंबर में से कोई भी एक डायल करके आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर एक लाइव चैट का ऑप्शन भी है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जरूर जुड़िए, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, और यहाँ पे आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। डेली 30 मिनट्स में स्पेंड करता हूँ आपके इंस्टाग्राम पे क्वेरीज को आंसर करने के लिए, या फिर आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं gaurav888। याद रखिए, जितने भी हमारे वीडियो अपलोड होते हैं ट्विटर पर उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाता है। अब शुरू करते हैं वीडियो। 25वां एयर डिफेंस डे यानी 25वां हवाई सुरक्षा दिवस ये किस दिन मनाया गया या मनाया जाएगा? ये 10 तारीख को मनाया गया, 10 जनवरी को। और हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं आर्मी एयर डिफेंस के, AAD के, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल परमिंदर सिंह जग्गी। लेफ्टिनेंट जनरल परमिंदर सिंह जग्गी हैं हमारे आर्मी एयर डिफेंस AAD के डायरेक्टर जनरल, और 10 जनवरी को मनाया गया। और हमारे जो आर्मी के चीफ हैं वो हैं बिपिन रावत, नेवी के जो चीफ हैं वो हैं सुनील लांबा, और एयरफोर्स के हैं एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। इनमें से कौन सी संस्था है जो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करेगी, UAV नेत्र, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर सके और किसी आपदा के आने पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सके? UAV बोलते हैं अनमैंड एयर व्हीकल को, और नेत्र जो है ये DRDO ने और आइडिया फॉर्ज नाम की कंपनी है, दोनों ने मिलकर बनाया है। DRDO बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो चीफ है वो है S. क्रिस्टोफर, और जिसकी बात हो रही है वो है रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इस्तेमाल करेगी UAV और नेत्र का। इसे जो डेंस फॉगी कंडीशन है उनमें भी हेल्प मिलेगी, और हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। एक इंपॉर्टेंट बात, रेलवेज ने अनाउंस करा था कि जो ट्रेन्स हैं उनमें बायो टॉयलेट्स का इस्तेमाल हो जाएगा 2018 मार्च तक। हमारे वित्त मंत्रालय के हिसाब से जो भारत में इनकम टैक्स जो कलेक्ट हुआ है वो कितने परसेंट बढ़ा है अप्रैल से दिसंबर 2017 इनकम टैक्स बढ़ा है 18.2%, और ये कलेक्ट हुआ है 6.56 लाख करोड़, यानी 6.5 लाख करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। और हमारे जो CBDT यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं वो हैं सुशील चंद्र। हमारी केंद्र सरकार ने जो नेशनल ट्रस्ट का बोर्ड है उसके मेंबर्स के लिए, जो चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर हो, उनकी टेन्योर फिक्स कर दी है। कितनी टेन्योर होगी? अब ये टेन्योर होगी 3 साल। और जो ये नेशनल ट्रस्ट है, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999 के तहत ये बना था नेशनल बोर्ड, जो नेशनल ट्रस्ट का बोर्ड है। 3 साल कर दी है फिक्स इसकी अवधि। भारत की सबसे तेज और पहली पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, अभी अभी इसका उद्घाटन करा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रत्युष। ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मल्टी पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड है, और इसमें HPC फैसिलिटी ये जो बनाई गई है, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी ये बनाई गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो मौसम विभाग का जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का इंस्टीट्यूट है पुणे में, और ये दुनिया का 4th सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है और भारत का सबसे फास्टेस्ट है। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक नई दिल्ली से लोकसभा सांसद है, और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के लिए जो डिपार्टमेंट है उसके मंत्री भी हैं। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक थे AS किरण कुमार, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और इनका जो सौर मिशन है उसका नाम है आदित्य L1। नए चेयरमैन होंगे K. सिवन। K. सिवन को हम रोबोट मैन के नाम से भी जानते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये, और ये अभी डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, जो तिरुवनंतपुरम में है। सो आंसर है K. सिवन। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसने एक एडवाइजरी इशू करी है। उन्होंने ये कहा है लोगों को कि आप उस झंडे का इस्तेमाल मत करिए जो इनमें से किस चीज़ का बना है, जो प्लास्टिक का बना है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और जो पेपर के बने हुए फ्लैग हैं सिर्फ वही इस्तेमाल किए जाएंगे,
ऐसा कहा गया है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से उनका इस्तेमाल होगा। और प्लास्टिक जो है ये बहुत बड़ा खतरा है, आपको बता देता हूँ, दुनिया में जो सबसे पॉल्यूटेड जगह है उसको बोलते हैं हेंडरसन आइलैंड, ये प्रशांत महासागर के अंदर है, हेंडरसन आइलैंड है दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड जगह, और ये यूके के कंट्रोल में है, और यहाँ पे लगभग 99% से ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो प्लास्टिक्स की वजह से है, जबकि इस आइलैंड पे कोई रहता भी नहीं है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो लाउड स्पीकर हैं वो धार्मिक संस्थाओं पर बिना परमिशन के इंस्टॉल नहीं किए जाएंगे? ये डिसीजन लिया है नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नायक। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने भारत के अंदर टॉप किया है इन्वेस्टमेंट इंटेंशन? इस अक्टूबर तक की ये रिपोर्ट है, इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इंटेंशन है इस राज्य की, तो ये राज्य है कर्नाटक। पूरे देश की 43% इन्वेस्टमेंट इंटेंशन इस राज्य की है, और गवर्नर है इसके वाजू भाई वाला और मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। कर्नाटक भारत का वो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिफेंट है और सबसे ज़्यादा टाइगर है। दूसरे सबसे ज़्यादा एलिफेंट है कर्नाटक के बाद भारत में असम में, तीसरे नंबर पे है केरल में, और टाइगर की बात करें तो दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और इसरो का हेडक्वार्टर है। इनमें से किस व्यक्ति को वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है सन्नी वर्गीस। और ये है कौन? ये एक सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम है ओलम इंटरनेशनल। ओलम इंटरनेशनल के ये फाउंडर हैं और सीईओ हैं। और WBSCD जो है, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिए। और सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब, प्रधानमंत्री हैं ली सियान लुंग, और सिंगापुर सिटी है इसकी राजधानी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब होता है टिकाऊ विकास, जो अभी की जरूरतों को पूरा करे और आने वाली जनरेशंस की जरूरतों का भी ख्याल रखे। और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फॉलो करने हैं वो है 17, और इनकी डेडलाइन है 2030। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने पार्लियामेंट्री लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के जो मेंबर हैं वो कंटिन्यू करेंगे, ये अप्रूव कर दिया है। ये कब तक कंटिन्यू करेंगे इसके मेंबर? इनके मेंबर कंटिन्यू करेंगे मार्च 2020। और ये खास क्यों है मार्च 2020? क्योंकि मार्च 2020 तक चलेगा 14वां फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है वाई वी रेड्डी, और इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से हो जाएगा लागू 15वां फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है मिस्टर एन के सिंह। तो अभी जो 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके चेयरमैन है वाई वी रेड्डी। कौन सा देश है जिसने अनाउंस करा है कि उसने इमरजेंसी लगा दी है, उस देश में लग गई है 6ठी बार? ये देश है टर्की। टर्की के राष्ट्रपति हैं रसी परडोगान, ये पिछले साल भारत आए थे, और इनको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। टर्की की राजधानी है अंकारा। नवाज सनाउल्ला जहरी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये पाकिस्तान में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये पाकिस्तान में बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री थे, और बलोचिस्तान की राजधानी है कैटा। सिंध की राजधानी है कराची, पंजाब की राजधानी है लाहौर। तो ये याद रखिए, पाकिस्तान के खक्कान अब्बासी हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन काउंसिल का तीसरा मीटिंग, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे वाणिज्य और इंडस्ट्री मंत्री सुरेश प्रभु। इनमें से किस व्यक्ति को 42वां कोलकाता बुक फेयर में लेजियन ऑन ऑनर का खिताब दिया फ्रांस की सरकार ने? लेजियन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट है। ये एक्टर है, और याद रखिए इस बार जो कोलकाता बुक फेयर है इसमें फ्रांस जो है वो थीम कंट्री है। फ्रांस थीम कंट्री है 42वें कोलकाता बुक फेयर में। ये बात हो रही है सौमित्र चैटर्जी की। अब आपसे एक डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं, और डिफिकल्ट सवाल ये है कि भारत में कौन सा ऐसा फेस्टिवल हुआ या त्योहार हुआ या कुछ भी हुआ, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिसमें वियतनाम था पार्टनर कंट्री? तो क्या कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, वियतनाम पार्टनर कंट्री था भारत में एक इवेंट का? यह इवेंट नवंबर 2017 में हुआ था। किस इवेंट की बात हो रही है? प्रवासी भारतीय दिवस ये अभी सेलिब्रेट किया गया, किस दिन? तो ये 9 तारीख को सेलिब्रेट किया गया, 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस? इस दिन महात्मा गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 को, इसलिए हम मनाते हैं महात्मा गांधी जी का जो देश में आगमन था, प्रवासी भारतीय दिवस। नॉर्थ कोरिया अभी अभी एक डिप्लोमेटिक टॉक्स करेगा कौन से देश के साथ, इन्होंने अभी अभी किए हैं, ये इस बार इन्होंने किए हैं साउथ कोरिया के साथ, जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है।
नॉर्थ कोरिया के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, तीन एक्चुअली, एक साउथ कोरिया, एक जापान और एक अमेरिका। साउथ कोरिया जो है, इसके राष्ट्रपति है मून जाए इन, इसकी राजधानी है सियोल और यहाँ पे इस साल विंटर ओलंपिक होंगे प्योंगचैंग में। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, मुद्रा है वॉन और ये है वहां के तानाशाह किम जोंग उन। पिछले दो सालों में पहली बार है जब ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में बात करी है इन्होंने, और ये बात जो हुई ये विंटर ओलंपिक्स के रिगार्डिंग ही हुई थी। याद रखिए 2018 के विंटर ओलंपिक से रशिया को कर दिया गया है बैन। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अभी अभी एक सीक्रेट सैटेलाइट मिशन लॉन्च करा है, इसका कोड नेम रखा है जूमा। तो वैसे जूमा शब्द सुन के आपको जैकब जूमा याद आ जाना चाहिए जो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। ये स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स। ये स्पेसएक्स जो है एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसके सीईओ हैं एलोन मस्क और इनके रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 है इनका रॉकेट। इनमें से नॉर्दर्न आयरलैंड के नए सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है करेन ब्रेडले बनी है और थेरेसा मे है यूके की प्राइम मिनिस्टर। और नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के अंडर आता है। यूके के अंडर चार कंट्री आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की है कार्डिफ, इंग्लैंड की है लंदन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये अभी अभी कौन से राज्य में मनाया गया? फ्लेमिंगो त्यौहार ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहां पर मनाया गया? आंध्र प्रदेश में एक तो पुलिकट झील है, पुलिकट लेक वहां पे, और एक नेलपट्टू बर्ड सेंचुरी है। नेलपट्टू बर्ड सेंचुरी, एक बर्ड सेंचुरी और एग्जाम में बहुत आती है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये है गोवा में और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है कश्मीर में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, यहाँ का एक डांस है कुचिपुड़ी और यहाँ की राजधानी है अमरावती जिसे स्मार्ट सिटी बना रहा है सिंगापुर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट 2018 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इसके हिसाब से भारत का जीडीपी 2018 में कितना ग्रो करेगा, इन्होंने ये बढ़ा दिया अपना फोरकास्ट। 2018 में हम ग्रो करेंगे 7.3% और 2019 में हम ग्रो करेंगे 7.5%। वर्ल्ड बैंक जो है, इन्होंने इनके जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर भी है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम और इसकी सीईओ हैं कर्स्टीना जॉर्जिएवा। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट यानी लीड्स इंडेक्स को टॉप किया है? ये कॉमर्स मंत्रालय जो है, हमारा वाणिज्य मंत्रालय, उन्होंने डिलॉयट कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च करा है। ये राज्य है गुजरात। और अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं यूनियन टेरिटरी की, तो टॉप करा है दमन एंड दीव ने। और जो यूनियन टेरिटरीज में दमन दीव नंबर वन है और स्टेट्स में गुजरात। इनमें से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इनका नाम है दिलीप आसबे और ये रिप्लेस किसको करेंगे? एपी होता को। एपी होता को रिप्लेस करेंगे दिलीप आसबे। कौन से क्रिकेटर हैं जिनको 5 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इन्होंने डोप टेस्ट फेल कर दिया, ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए? ये इनका नाम है यूसुफ पठान। और ये कौन सी ड्रग ले रहे थे? ये टर्ब्यूटेलिन नाम का ड्रग खा रहे थे, टर्ब्यूटेलिन। एक बात और याद रखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में जो है कैनेडा में। इनमें से पार्ले एग्रो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर फ्रूटी ड्रिंक के लिए किसे बनाया है? इनका नाम है अल्लू अर्जुन और ये तेलुगु फिल्मों के एक्टर हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है और तेलंगाना ने अभी अभी उर्दू को अपनी दूसरी भाषा डिक्लेयर करा है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जो 10,000 पन्ने डेली उनको डिजिटल बना रही है जिससे जो प्रिंसली स्टेट हैं उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड प्रिजर्व किए जा सकें लंबे समय के लिए? यानी जो भी इनके पुराने प्रिंसली स्टेट के रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटल बना रही है, इस पे काफ़ी खर्चा भी ये स्टेट कर रही है। तो इनके 22 प्रिंसली जो स्टेट हैं उनके 30 से 40 करोड़ रिकॉर्ड को डिजिटल बना के प्रिजर्व करके रखा जाएगा। राजपूताना प्रिंसली स्टेट, तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है और एसएसआरके रणथंबोर के जो है कियो लाडियो या भरतपुर। जयपुर राजधानी, इसको पिंक सिटी बोलते हैं। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है और वसुंधरा राजे ने अभी अभी 5 समुदायों को आरक्षण दिया है 1%, जैसे गुज्जर इत्यादि 5 समुदाय हैं और राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह। कौन से एक्टर हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए एडवर्टाइज करेंगे जिससे मुंबई में क्लैनलीनेस को प्रमोट किया जा सके? मुंबई जो है ये ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त हो चुका है। ये राज्य है, ये महाराष्ट्र राज्य में है और इनका नाम है एक्टर का अक्षय कुमार। अक्षय कुमार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वच्छ भारत के लिए एम्बेसडर भी हैं। पिछले साल जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हुआ था उसमें भारत का सबसे साफ शहर था इंदौर और सबसे गंदा था गोंडा। गोंडा उत्तर प्रदेश में है और इंदौर है मध्य प्रदेश के अंदर। और भारत का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन था विशाखापट्टनम का। कौन सा कंट्री है जिसने बैन कर दिया है कि वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी?
तो ये देश है ईरान। ईरान, ईरान का कहना है कि इससे पाश्चात्य संस्कृति थोपी जा रही है बच्चों के ऊपर। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी और यहाँ की राजधानी है तेहरान। यहाँ पे हमने एक पोर्ट भी बनाया है जिसका नाम है चाबर। हमारी केंद्र सरकार ने इनमें से कौन से देश के साथ अप्रूव कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस देश के साथ आपसी सहयोग करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और ये देश है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडियो। इनमें से कौन सी कंपनी है जो अब केंद्र सरकार ने कहा है इसे बंद कर दिया जाएगा, शट डाउन? इसका नाम है तुंगा भद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड, तुंगा भद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने कहा है कि इसको खत्म कर दो। और ये 1960 में बनी थी, मैसूर और आंध्र प्रदेश की सरकार ने मिलकर इसे बनाया था 1960 में। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके डायरेक्टर जनरल या चीफ हैं राजेंद्र सिंह, इन्होंने एक पेट्रोल वेसल मतलब निगरानी करने के लिए जो जहाज है इसका नाम है चार्ली 435, ये कहाँ पे लगाया है? इसको लगाया है कराईकाल में, कराईकाल नाम की जगह पे इन्हें लगाया है। और इसे पौंडेचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने कमीशन किया कराईकाल में। पौंडेचेरी को स्मार्ट सिटी कौन बना रहा है? फ्रांस। कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर है जहां पे कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू हुआ है बस और मेट्रो के लिए? पहले बस के लिए अलग कार्ड था, मेट्रो कार्ड के लिए अलग कार्ड था, अब एक ही कार्ड है जिससे यातायात जो करने वाले लोग हैं उनकी सहूलियत होनी चाहिए। तो ये शहर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये लॉन्च करा है। दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं दिल्ली से 3 लोग कौन राज्यसभा में जाएंगे? क्या आप कमेंट्स में लिख के नाम बता सकते हैं उनका? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने अभी अभी चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मा धम्मा ये इसका उद्घाटन करा। ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा के साथ गठबंधन है। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सुशील मोदी, जो वहाँ के वित्त मंत्री भी हैं। और जिस जगह की बात हो रही है वो है राजगीर, और राजगीर बिहार के अंदर है। जो रामनाथ कोविंद हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, इससे पहले बिहार के ही ये गवर्नर होते थे। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज करा है। कौन सा मंत्रालय है भारत का जिसने सफूर्ति यानी स्मार्ट फ्रीट ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को लॉन्च करा है फ्रीट मैनेजर के लिए, यानी जो माल की आवागमन होता है एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए? कौन से मंत्रालय ने लॉन्च करा है? ये करा है रेलवेज ने लॉन्च। इसका नाम रखा है सफूर्ति यानी स्मार्ट फ्रीट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। भारत ने जो 2017 की डेडलाइन है अपनी मिस कर दी है, इनमें से कौन सी चीज के एलिमिनेशन के लिए? ये है काला अजहर। काला अजहर जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, और काला अजहर का भारत का टारगेट था कि हम 31 दिसंबर तक खत्म कर देंगे, पर नहीं कर पाए भारत से। लेकिन दो चीजें खत्म हो गई हैं। एक जानवरों का रोग होता है जिसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट, ये भारत से खत्म हो गया है। और एक आंखों का रोग होता है ट्रैकोमा, ये भारत से खत्म हो गया है। भारत का जो टारगेट है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का है 2025, मलेरिया को खत्म करने का है 2027, और एचआईवी एड्स को खत्म करने का है 2030। एक और इंपॉर्टेंट बात, 2030 हमारी डेडलाइन है हमारी न्यू स्टील पॉलिसी की, यानी हम 300 MT क्षमता स्टील बनाएंगे 2030 तक। कौन से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि, ध्यान से सुनिए इसको, ये एक हाईकोर्ट है, इसने जो सिगरेट होती है, सिगरेट या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट है, तंबाकू का प्रोडक्ट है, सुपारी वगैरह कोई भी, उसमें आपको 85% डब्बा वो वार्निंग वहां पे होनी चाहिए, 85% पिक्टोरियल वार्निंग होनी चाहिए। तो ये इस राज्य के हाईकोर्ट ने रिमूव कर दिया था ऑर्डर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको स्टे कर दिया है, यानी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को क्वेश कर दिया है। तो ये किसने किया है? ये किया है कर्नाटका हाईकोर्ट का डिसीजन। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था कि अब ये अनिवार्य नहीं है कि आपको तंबाकू का कोई भी पैकेज है उसमें 85% एरिया वार्निंग दिखानी पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, अभी स्टे लगा दिया है। तो ये याद रखना है आपको। हमारी रक्षा मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, इन्होंने अनाउंस करा है कि भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर बनाएगा, जहां पे हमारे जो सुरक्षा के आइटम वगैरह हैं वो बनेंगे और उन पे अनुसंधान होगा, इनोवेशन किया जाएगा। कहां पे बनेगा ये? ये बनेगा कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहां पे है? कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। और निर्मला सीतारमन जो है ये कर्नाटक से राज्यसभा MP हैं, राज्यसभा में है कर्नाटक से। और इस पे लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा कोयम्बटूर में बनाने में। और कोयम्बटूर को जर्मनी बना रहा है स्मार्ट सिटी। इनमें से भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने ई रक्त कोश बनाने का निर्णय लिया है? 45 गवर्नमेंट ब्लड बैंक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रक्त कोश बनेगा, ये बनाने का निर्णय लिया है पंजाब ने। ये अनाउंसमेंट करी पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा ने। ब्रह्म महिंद्रा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है
और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। वीपी सिंह बदनौरे गवर्नर हैं यहाँ के और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब ने अभी अभी चाइनीज मांझा, पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझा और जो ग्लास कोटेड या सिंथेटिक मांझा है उस पर प्रतिबंध लगाया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जो आधार कार्ड चलाती है, इसने इंट्रोड्यूस करा है वर्चुअल आईडी आधार डेटा को सेव करने के लिए। ये एक रैंडम नंबर होगा, कितने डिजिट का होगा, ये 16 डिजिट का होगा और ये आपको लिमिटेड डिटेल देगा, जैसे बायोमेट्रिक, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आपका आधार नंबर शेयर नहीं करेगा। और जो VID है यानी वर्चुअल आईडी, इसको 1 मार्च 2018 से लागू करना सरकार, ये UIDAI शुरू कर देगी। अभी अभी एक गवर्नर की कमेटी बैठी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है जिसका नाम है राज्यपाल विकास के राजदूत, यानी कि जो गवर्नर है वो समाज में बदलाव कैसे ला सकते हैं। ये रिपोर्ट जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्हें सबमिट करी है। ये जो कमेटी थी इसमें कितने गवर्नर थे, इसमें 5 गवर्नर थे। और ये 5 गवर्नर कौन थे, ये कमेटी अक्टूबर 2017 में बनी थी, अक्टूबर 2017 में जब जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है गवर्नर्स की, 48वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां बनी थी 2017 अक्टूबर में। 5 गवर्नर कौन कौन है, एक है मिस्टर ESL नरसिम्हा, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर है। दूसरे बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर है। राम नायक उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। तथागत रॉय त्रिपुरा के गवर्नर है और आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। 5 के नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप लॉन्च करा है, इस लैपटॉप का नाम है Swift 7। इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो कितना मोटा है, ये सिर्फ 8.98 मिलीमीटर, दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप है, ये बनाया है एसर कंपनी ने। सिक्किम जो राज्य है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग और ये इन्होंने बनाया है AR रहमान को। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि रेड पांडा विंटर त्यौहार भी अभी अभी सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम भारत का पहला राज्य था जो खुले में शौच मुक्त हुआ था और अभी तक 6 राज्य हैं भारत के जो खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। पहला सिक्किम था, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा उत्तराखंड, 5वां हरियाणा और अभी अभी हुआ है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम भारत का पहला और एकमात्र ऑर्गेनिक राज्य भी है। हमारा जो हेल्थ मंत्रालय है, उन्होंने एक नेशनल प्रोग्राम बनाया है वायरल हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने का। हम वित्तीय वर्ष 2018-19 यानी वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो जाएगा और 2019 मार्च में खत्म होगा, इसमें हम वायरल हेपेटाइटिस को कंट्रोल करेंगे। इसके लिए कितना बजट रखा है सरकार ने, इसके लिए बजट रखा है 600 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2019 हमारी डेडलाइन है, जो हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है Basel III नॉर्म्स का, उसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2019। पहले भारतीय कौन बनी जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता स्कीइंग में, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अल्पाइन एजडर 3200 कप जो तुर्की में हुआ था, इनका नाम क्या है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाली से हैं और इनका नाम है आंचल ठाकुर। ये वैसे रोशन लाल ठाकुर की बेटी हैं जो विंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं। शशिकांत भागवत का निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, खेल पत्रकार थे, सो आंसर है जर्नलिस्ट। राजेश रंजन, इन्हें भारत का कौन से देश में उच्च आयुक्त यानी राजदूत बनाया गया है अभी, राजेश रंजन। हाई कमिश्नर वर्ड हम कॉमनवेल्थ कंट्री में यूज करते हैं, एम्बेसडर वर्ड हम यूज करते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं उनके अंदर, इतना ही डिफरेंस है। ये देश है, इसकी राजधानी है गबोरोन, बोट्सवाना देश की बात हो रही है यहाँ पे, और बोट्सवाना की जो मुद्रा है वो है करेंसी पुला, PULA। इनमें से आज तक के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में इनकी संपत्ति $106 बिलियन रखी गई है, $106 बिलियन, और ये कितनी होती है, आप इसको 6500 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी होती है ये, तो ये हो गई लगभग 6.5 लाख करोड़ इनकी संपत्ति है। इनका नाम है जेफ बेजोस और ये अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, अमेजॉन। इनमें से JK टायर एंड इंडस्ट्रीज कंपनी ने अपना प्रेसिडेंट किसे बनाया है इंडिया ऑपरेशंस का, इनका नाम है राजीव प्रसाद। केंद्र सरकार ने एक टेरिटोरियल आर्मी बटालियन बनाने का निर्णय लिया है, ये एक्स सर्विसमैन जो हैं आर्मी के उनकी होगी ये टेरिटोरियल आर्मी और ये गंगा की सफाई करेगी। आपको ये बताना है कि जो इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स जो बनेगी ये जो टेरिटोरियल आर्मी की, ये कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी अलाहाबाद में। अलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उत्तर प्रदेश में अलाहाबाद है और अलाहाबाद से हल्दिया हमारा नेशनल वाटरवे 1 है और भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है,
एक हरिद्वार, एक इलाहाबाद, एक उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और एक लगता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। और ये गंगा की सफाई खत्म हो जाएगी 2020 तक। इस पे खर्चा होगा 167 करोड़। गंगा की सफाई के लिए जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी, जल संसाधन, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, गंगा की सफाई, वाटर रिसोर्सेज इत्यादि। पीटर सदरलैंड, इनका निधन हो गया। ये कहाँ से थे पीटर सदरलैंड? ये आयरलैंड से थे। और ये थे कौन? ये WTO के पहले डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अभी कौन है? अभी है रोबर्टो अजावाडो, रोबर्टो अजावाडो। वर्ल्ड हिंदी डे ये किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है और नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, दुनिया में वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो दोनों को देख के मार्क करना, नेशनल हिंदी डे आए तो 14 सितंबर और वर्ल्ड हिंदी डे आए तो 10 जनवरी। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें इंडिया और बाहर में फ़र्क है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स डे, भारत में टीचर डे होता है 5 सितंबर को, दुनिया में वर्ल्ड टीचर डे होता है 5 अक्टूबर को। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक MOU साइन करा है? अब ये गुजरात में आपसी सहयोग करेगा गुजरात के साथ, गुजरात का जो कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्रालय है उसके साथ, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और टेक्सटाइल सेक्टर में। तो कौन सा देश है ये? ये देश है जिसने अभी अभी करार किया है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया सरकार ने नोटिफाई करे हैं कि उन्होंने जो कंपनीज एक्ट है 2017 अमेंडमेंट, उनको मंजूरी दी है। ये पुरानी जो कंपनीज एक्ट है 2013, इसका कौन सा सेक्शन उसमें संशोधन करेगी? ये संशोधन होगा सेक्शन 53, 197 और 247, यानी ऑल ऑफ द अबव। ब्रिगेडियर कपिल मोहन, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये कपिल मोहन जो थे, एक शराब आती है ओल्ड मॉन्क इन्होंने बनाई थी और इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था। सो ये एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे। ये जो कंपनी है ओल्ड मॉन्क, ये पूछ लेते हैं कई बार, कंपनी का नाम है मोहन मियाकिन लिमिटेड, उस कंपनी की ये शराब थी ओल्ड मॉन्क। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने न्यू ऑनलाइन वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च करा है? इसे डेवलप करा है RDSO ने, यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च करा है न्यू ऑनलाइन वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम? जो जितने भी वेंडर है सबकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी अब। ये लॉन्च करा है अगेन रेलवेज ने। और RDSO का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, लखनऊ में ही हेडक्वार्टर है सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। श्री वल्लभ व्यास का निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये एक्टर थे। आपको याद होगा इन्होंने लगान फिल्म में काम किया था। लगान फिल्म में श्री वल्लभ व्यास बहुत ही जाने माने एक्टर थे, सरफरोश फिल्म में भी काम किया था और बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। कौन सा स्टेशन है मुंबई में जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है? ये भारत का पहला ऑल वुमेन स्टाफ रेलवे सबर्बन स्टेशन बन गया है, यानी इस रेलवे स्टेशन का संचालन सिर्फ महिलाएं करेंगी। ये है मातुंगा रेलवे स्टेशन। इनमें से इंडिया इंडोनेशिया सिक्योरिटी डायलॉग हुआ तो भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से गए थे अजीत डोवल, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब ये बताइए कमेंट्स में लिख के कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी अभी कौन बने हैं, जो रॉ के पूर्व चीफ थे? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक ऐसी ह्यूमन स्केलेटल मसल बनाई है जो ह्यूमन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से बनी है और ये मसल काम करेगी? तो इससे वो लोग जिनमें मसल के कोई रोग हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। ये बनाई है ड्यूक यूनिवर्सिटी ने। ड्यूक यूनिवर्सिटी है कहां पे? ये नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका के अंदर है। कौन सा बैंक है जिसने NSFDC यानी नेशनल स्केड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाई अप करा है? अब ये अनुसूचित जातियों के जो परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगा। तो ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुनील मेहता। और इस बैंक की जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थी उषा नंदसुब्रमण्यम, वो अब इलाहाबाद बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का वो बैंक है जिसमें सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मैनकिडिया, इसे हैबिटेट राइट डिनाई कर दिए गए हैं। कौन से टाइगर रिजर्व में? उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। कहने का मतलब, ये एक आदिवासी समुदाय है, इन्होंने कहा था कि इन्हें इस टाइगर रिजर्व में रहने की परमिशन मिल जानी चाहिए, लेकिन उड़ीसा की सरकार ने मना कर दिया है। कौन से टाइगर रिजर्व की बात हो रही है? ये बात हो रही है सिमलीपल टाइगर रिजर्व की। सिमलीपल टाइगर रिजर्व में इन्हें रहने का अधिकार नहीं दिया गया है उड़ीसा की सरकार द्वारा। यहाँ पे एक भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, राजधानी है भुवनेश्वर, जहाँ पे
हॉकी वर्ल्ड कप 2018 खेला जाएगा। फ्लिपकार्ट की फोन पे जो ऐप है, ऐप का नाम है फोन पे, इन्होंने कौन से मोबाइल वॉलेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? ये कंपनी है फ्री चार्ज। और ये जो फोन पे ऐप है इसको भारत का पहला ओपन पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाएगी। फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल और सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अभी अभी एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सब कमेटी ने रेकमेंड करा है कि गर्ल्स को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, स्नातकोत्तर जो लेवल होता है वहां तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए भारत में। ये कमेटी, इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता करी कदियम श्रीहरि ने। कदियम श्रीहरि हैं कौन? ये तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना में बतुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है, तेलुगु भाषा है इनकी। इन्होंने अभी अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है एचआरडी डिपार्टमेंट को। एचआरडी मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। कौन सा कंट्री है जिसने अभी अभी सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट साइन करा है? ये जो हज यात्रा होती है, हज यात्रा में जो डिवोटीज हैं उन्हें पानी के रास्ते से इस देश में भेजेगा। तो ये कौन सा देश है? ये देश है भारत। पहले ये 23 साल के बाद ये चीज़ स्टार्ट हुई है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच। और सऊदी अरेबिया ने भारत का जो हज कोटा है वो भी बढ़ा दिया है, तो 5000 से बढ़ा दिया है। 5000 लोग मतलब और जा पाएंगे भारत से। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। सऊदी अरेबिया जो है ये यहाँ पे अभी अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी ब्लिट्स और रैपिड। रैपिड जीती है विश्वनाथन आनंद ने, ब्लिट्स जीती है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं और सऊदी अरेबिया के किंग हैं किंग सलमान। इनमें से कौन सा बैंक है जो पहला अमरीकी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करेगा जून 2018 के एंड में, यानी जून के एंड तक? ये बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। इस बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिन लीकन। और जिन लीकन जो है चाइना के पूर्व वित्त मंत्री हैं। इस बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं केवी कामत। इस बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी में। और इस बैंक के प्रेसिडेंट है तकेहिको नकाओ। तो बस आप इतना याद रख लीजिए इसमें। और AIIB में भारत का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्टेक है चाइना के बाद। और इसमें 84 मेंबर कंट्री हैं इसके अभी AIIB के। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बैन कर दिया है? ये बैन करा है बिहार की सरकार ने। बिहार के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार के जो एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इनमें से किस व्यक्ति को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने शेफ डे मिशन अपॉइंट करा है? 23वें विंटर ओलंपिक गेम जो होंगे अभी अभी प्योंगचांग साउथ कोरिया में। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हरजिंदर सिंह। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा। मैं रिपीट करता हूं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी है नरेंद्र बत्रा। और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। केंद्र सरकार ने अभी अभी काडर रिव्यू ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव काडर का अप्रूव कर दिया है। तो ये ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव काडर किसका था? ये था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का, जो आपकी एयरपोर्ट वगैरह पर सुरक्षा आपको प्रदान करती है। इसमें 25 पोस्ट क्रिएट की जाएंगी। सरकार ने अनाउंस करा है कि वो भारत नेट प्रोजेक्ट का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। तो दिसंबर 2017 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल भारत के कितने ग्राम पंचायत में बिछाई गई है? ये बिछाई गई है 1.1 लाख में अप्रॉक्सीमेटली। डेडलाइन क्या है? डेडलाइन है 2.5 लाख ग्राम पंचायत में मार्च 2019 तक हमें ऑप्टिकल फाइबर बिछानी है। और अब इसका दूसरा चरण चल रहा है। ये व्यक्ति मनोज सिन्हा है जो हमारे संचार मंत्री हैं। Who has been appointed as the corps commander? जो 9 corps है, इसका corps commander किसे appoint किया गया है? इसको हम rising star corps भी बोलते हैं 9 corps को। इनका नाम है Lieutenant General YVK Mohan। इनमें से किस व्यक्ति को मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड मिला है पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ में अपने योगदान के लिए? ये अवार्ड इन्हें दिया गवर्नर NN वोहरा ने। ये मिला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो झेलम नदी के किनारे है। यहाँ पे दो लेक हैं, एक वुलर लेक और एक डल लेक। और जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती जो है वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पिता थे ये मुफ्ती मोहम्मद सईद। और यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, यहाँ पे डचीगम नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, और राउफ यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट डांस है। बलदेव राज, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये साइंटिस्ट थे और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज यानी NIAS के डायरेक्टर थे। इसके अलावा ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IGCAR, ये कहाँ पे है? कलपक्कम है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और भी है जिसका नाम है कुंडनकुलम, जो हमने रशिया के सहयोग से बनाया है। सो आंसर है साइंटिस्ट।
कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला रूफटॉप्स कंज्यूमर एग्रीगेशन प्रोग्राम शुरू करा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए? यह कंपनी का नाम है BSES. और हमारे जो दिल्ली के पावर मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने लॉन्च कराई है। वैसे हमारे पावर मंत्री हैं आर के सिंह, जो हमारे पावर मंत्री भी हैं और जैविक ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री भी हैं। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है हमारा 175 गीगावाट 2022 तक। इस 175 में 60 होगा विंड पावर से और 100 होगा सोलर पावर से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत ने बनाया है फ्रांस की मदद से, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने नए रूल बनाए हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के लिए कंपनीज के लिए। आपको ये बताना है कि ये नए रूल जो है ये कब से स्टार्ट हो जाएंगे, कौन से असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ध्यान रखिए। ये असेसमेंट ईयर है 2018-19। इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है जो ये चेक करेगी कि सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम प्ले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसके अध्यक्ष बने हैं बी आर शर्मा। कैबिनेट ने FDI अप्रूव कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से सिंगल ब्रांड डिटेल में कितने तक, ये 100% कर दिया इन्होंने, 100% कर दिया है। इसके अलावा 100% FDI अब ऑटोमेटिक रूट से कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में भी होगा, तो ये रूल करे हैं। और फॉरेन एयरलाइंस जो है वो 49% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं एयर इंडिया में अप्रूवल रूट यानी गवर्नमेंट रूट में, ये भी। और एयर इंडिया के प्रदीप खरोला ये हैं नए चेयरमैन एयर इंडिया के, CMD। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप बर्मिंगम में हुई, इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता, किस भारतीय ने जीता? इनका नाम है नील जोशी। और बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ खेल खेले जाएंगे 2022 में, और इस साल 2018 में कॉमनवेल्थ खेल अप्रैल में होंगे क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में। कोलकाता ओपन का खिताब किसने जीता है? ये इन्विटेशन स्नूकर चैंपियनशिप थी कोलकाता ओपन 2018, इसको जीतने वाले खिलाड़ी हैं आदित्य मेहता। उस कंपनी का क्या नाम है जो पेटीएम ने अभी अभी स्टार्ट करी है? वो पेटीएम जो है अब इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट अपने लॉन्च करे हैं। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम है पेटीएम मनी। इसके अलावा पेटीएम का पेमेंट बैंक भी खुला हुआ है। रेनू सती उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। पेटीएम कंपनी के मालिक है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन। इनमें से हिमाचल प्रदेश के DGP कौन बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्या नाम है इनका? इनका नाम है SP मार्डी। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जयराम ठाकुर नए मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क है और सिंबल पारा नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तो ये सब हैं। और अब आप ये बताइए कमेंट्स में लिख के, सुलखान सिंह के बाद उत्तर प्रदेश के नए DGP कौन बने हैं, कमेंट्स में लिख के बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल, बर्फ का त्यौहार, इसका नाम है हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल। ये कहाँ पे खेला गया? ये अभी अभी हुआ चाइना में। सक्षम यादव, इनका निधन हो गया। ये कौन से खेल खेलते थे? ये पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन थे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत कम उम्र के थे ये। सो आंसर स्पोर्ट्स, पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन थे सक्षम यादव। ये मूर्थल से गुड़गांव की तरफ आ रहे थे, इनकी गाड़ी टकराई और 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। इनमें से तमिलनाडु का कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड मिला है स्मार्ट पुलिस स्टेशन कैटेगरी में? ये पुलिस स्टेशन है आर एस पुरम। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है पंजागुट्टा, और पंजागुट्टा है तेलंगाना में, ये है सेकंड प्लेस पे। सो ये था दूसरे हफ्ते का भाग एक। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए करंट अफेयर समझ में आते हैं, कैसे लगते हैं कमेंट्स में जरूर लिख के बताया करिए। और इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे वो भी बताइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिया करिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बस वीडियो को शेयर करिए और नॉलेज भारत के कोने कोने में पहुंचाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।